श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मैं हूँ राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आप देख रहे होंगे, इस समय मैं कुबेरेश्वर धाम में हूँ और यहाँ पर एक बहुत बड़ी शिला यानी बहुत बड़ा पत्थर यहाँ पर लाया गया है और लोगों की ऐसी मान्यता है, यहाँ के भक्त लोग ऐसा मानते हैं कि इस शिला ये जो शिला है बहुत चमत्कारी शिला है और इसकी अगर कोई इंसान कोई भक्त अगर इसकी भक्तिभाव से पूरे मन से इसकी पूजा करता है तो इसकी जो भी मनोकामना होती है, जो भी भक्त की मनोकामना होती है वो जरूर पूरी होती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है और लोग आए दिन इसी प्रकार से यहाँ पे आ रहे हैं और अपनी मनोवांछित फल की प्राप्ति करने के लिए इस शिला की पूजा कर रहे हैं। जब मैंने यहाँ पे लोगों से बात की तो मुझे ऐसा पता चला कि इस शिला से ही यहाँ के जो शिवलिंग है उसका निर्माण किया जाएगा और फिर इस शिवलिंग को इस यहाँ पे जो मंदिर बन रहा है उसमें उसकी प्रतिष्ठा की जाएगी, उनकी इसकी स्थापना की जाएगी। अब ये बात कहाँ तक सही है ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन जब लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने यही बताया। यहाँ पे जब मैंने भक्तों से बात की, यहाँ के जो लोग आ रहे हैं जो पूजा करने इस शिला की पूजा करने आ रहे हैं, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि इसी शिला से यहाँ पर जो भगवान का विग्रह बनने वाला है, भगवान के जो शिवलिंग बनने वाला है, उस शिवलिंग की स्थापना मंदिर में की जाएगी। जैसे कि आपको पता है, आपने देखा भी होगा कि यहाँ पर जो मंदिर बन रहा है अभी तक कोई भी मूर्ति की यहाँ पर स्थापना नहीं हुई है। इसके बाद भी यहाँ पर आए दिन लोगों का तांता लगा रहता है, दूर दूर से दूर विदेश से भी लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति करने के लिए भगवान के सामने अपनी प्रार्थना करते हैं और लोग जहाँ देखो वहीं पर बैठ जाते हैं, कहीं पर भी बैठ जाते हैं और भगवान की पूजा वहीं पे स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई मूर्ति अभी है नहीं। तो ऐसी सब लोग की मान्यता है कि इसी शिला से यहाँ पे मूर्ति बनने वाली है और यहाँ पर शिवलिंग इसी शिला से बनने वाला है जिसकी स्थापना यहाँ पर होगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तो आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।